अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे है जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज की रेसिपी है भिंडी, भिंडी मसाला। सबसे पहले मैंने डालना है ऑयल, फिर ऑयल में मैंने डालना है प्याज। प्याज को थोड़ा सा मैंने नरम किया, फिर उसके बाद मैंने इसमें डालना है अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट के बाद अब इसमें मैंने डाला है चिकन। चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लूँ ताकि स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए, रेड नहीं वाइट हो जाए तब तक। इसके बाद मैंने इसमें डाला है टमाटर हस्बी ज़रूरत, साथ में मैंने डाला है नमक वो भी हस्बी ज़रूरत। जब टमाटर के ऊपर जब नमक डालते हैं तो अच्छी तरह गल जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला है सालन मसाला। हमारे अक्सर पठान फैमिली में सालन मसाला, मिक्स मसाला हम यूज़ करते हैं। वो अलग अलग तकरीबन वो गरम मसाला, मिर्ची, अदरक, नहीं वो कुरकम, हल्दी हुई वगैरह अलग अलग डालते हैं ना, तो हम पठान पेमी में इस तरह नहीं करते। बाकी का मुझे नहीं पता लगे, हमारे वो में नहीं है इस तरह, कम लोग डालते हैं ये अलग अलग मसाले। हम सारे पठान मिक्स मसाला ही खाते हैं, मज़े की बनती है वो मसाला। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि इसके प्याज और टमाटर अच्छी तरह गल जाए। अच्छा, इसके बाद मैंने इसका ढक्कन बंद किया। अब दोबारा इसको चेक करती हूँ कि क्या सीन है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च और साथ में भिंडी। मैंने भिंडी शामिल की इसमें, अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई कर लो थोड़ी देर के लिए। इसको मैं चम्मच भी हिलाओ ताकि अच्छी तरह फ्राई भी हो जाए और टमाटर के साथ मिक्स हो जाए, मैंने जो मसाला रेडी किया उसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। भिंडी जब पक जाए उस टाइम चम्मच नहीं हिलाना चाहिए इसमें। तो जी इसमें मैं थोड़ी देर बाद चम्मच दोबारा हिलाऊंगी। अब मैंने ये थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वो थोड़ा सा पानी मुझे चाहिए शोरबे वाले, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। अब इसमें मैंने ढक्कन रख दिया है, चूल्हा बिल्कुल स्लो किया है मैंने और साइड पे देखो ये वीडियो मैं बनाते बनाते बीच में मेरा ये मोबाइल टूट गया, ये देखो। अच्छा, तो इधर मेरे भिंडी हो गए रेडी। लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय, अल्लाह।